इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है अब फाइनेंस सीबी 350 के रिगार्डिंग। उनकी स्कूटी में कुछ काम कराना थोड़ा बहुत राइड से रिलेटेड, क्योंकि इस बार की जो राइड हमारी होने वाली है तो वो 5 दिन की राइड होने वाली है, जिसमें से जबरदस्त बहुत ही सॉलिड बहुत ही मैसिव लग रही है स्कूटी है देखो। तो मेरा कंसर्न ये था आप लोगों को बताने के, अगर टायर अपग्रेड कर रहे हो ना तो बहुत सोच समझ के करना, इन टायर के साथ में होगा क्या वो मैं बता रहा हूँ आपको। इन टायर के केस में होगा ये ज़्यादा पोर्शन जो है ना सब वो बहुत जल्दी फ्लैट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो, इन सभी को जय श्री राम। और आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरी जो अपकमिंग राइड है उससे रिलेटेड है, क्योंकि मैं जिनके साथ जा रहा हूँ जो मेरे साथ लास्ट ट्रिप पे गए थे हरि सिंह जी, जो मेरे साथ चंबा ट्रिप पर गए थे, उनकी स्कूटी में कुछ काम कराना है। तो आज हम जा रहे हैं गुप्ता बाइकिंग गियर, मैं पहुँच जाऊँगा 10 मिनट में, वो भी अपने घर से ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, अभी वहाँ चलते हैं गुप्ता बाइकिंग गियर पे। और क्या काम करा रहे हैं, उनकी स्कूटी में काम कराना है, एरोक्स उनके पास है, वहीं जाकर आपको बताता हूँ। और आज एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अपडेट मैं देने वाला हूँ अपनी बाइक के बारे में, जो मेरे टायर मैंने इस बाइक में इंस्टॉल कराए थे। तो वीडियो दो पार्ट में डालूंगा, एक तो अपना जो भी राइड से रिलेटेड काम होगा इसका, और एक अपनी बाइक के रिलेटेड, तो वो वीडियो आप ज़रूर से देखना, इम्पोर्टेंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है अब फाइनेंस सीबी 350 के रिगार्डिंग। तो चलो अभी चलते हैं और मिलता हूँ आपको गुप्ता बाइकिंग गियर में। हरि सिंह जी क्या है वो कि रहते हैं गाजियाबाद भी, तो उनके यहाँ से गुप्ता बाइकिंग गियर मेरे ख्याल से हार्डली 2-3 किलोमीटर ही होगा, मुझे आना पड़ता है 6-7 किलोमीटर। तो मैंने उन्हें बोल दिया था आप पहुँचो, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पर। तो उनकी स्कूटी में कुछ काम कराना थोड़ा बहुत राइड से रिलेटेड, क्योंकि इस बार की जो राइड हमारी होने वाली है तो वो 5 दिन की राइड होने वाली है, जिसमें से अगर मैं आने जाने का एक एक दिन निकाल दूँ, तो एक दिन जाने का और एक दिन आने का, तो वो निकाल दो 3 दिन हमारे पास पूरे हैं जो कि उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बचते हैं। तो राइड थोड़ी लंबी है, मेरे ख्याल से 1200-1300 किलोमीटर की राइड हो जाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो इम्पोर्टेंट बाइक में या मेरे बाइक में तो एक टायर वाला काम था वो मैंने करा लिया, अभी ब्रेक शू मुझे डलवाने हैं और बैटरी भी मुझे चेंज करानी पड़ेगी। तो अपनी बाइक की बात मैं बाद में करूंगा, पहले हरि जी के पास चलते हैं, उनकी स्कूटी में क्या क्या काम होने वो आपको एक बार दिखाता हूँ। चलो मिलता हूँ आपको गुप्ता बाइकिंग गियर पे। सो गाइस, अभी हम हैं गुप्ता बाइकिंग गियर पर और अपने हरि जी देख रहे हैं हेलमेट। हेलमेट एक्चुअली में डॉट सर्टिफाइड, मेरे पास बोल्ट बनी का मॉडल है वो डॉट सर्टिफिकेशन में है, यहाँ पर एक स्टड का मॉडल हमें मिला है, अभी देखते हैं साइज अगर फिट आ गया तो डॉट जो स्टड का हेलमेट है उसके साथ जाएंगे, नहीं तो फिर बोल्ट बनी जो मॉडल मेरे पास है फिर वही लेंगे। बाकी अभी साइज का थोड़ा इशू हो रहा है, जो अभी साइज चेक किया है वो थोड़ा सा लूज है, अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा एक साइज कम मिल जाए ताकि इनको अच्छे से हेलमेट में, ये जरूरी होता है कि आपका जो स्कल है पूरी तरह से अच्छे से फर्मली पकड़ होनी चाहिए फोम की, तो वो थोड़ा मुझे लग रहा है कहीं थोड़ा कुछ इशू है। और हरि जी कितना एक्साइटेड है नेक्स्ट राइड के लिए? बिल्कुल जी, चलना है, अभी बताना नहीं है कहाँ जा रहे हैं, जाएंगे उस दिन बताएंगे। तो हरि जी की स्कूटी वो खड़ी सामने, और यहाँ पर देखो हरि जी की स्कूटी ये रही और बहुत ही सही लग रही है। देखो क्रैश गार्ड लगवा कर या अपने नकल गार्ड लगवा कर बहुत ही जबरदस्त बहुत ही सॉलिड बहुत ही मैसिव लग रही है स्कूटी है। देखो अब यहाँ पे देखो लास्ट राइड पे हमारे साथ हरि जी को एक्चुअली थोड़ा फील ये हुआ कि इन्हें जरा एक्चुअली फील ये होगी कि इनकी टैंक रेंज जो है वो थोड़ी सी कम है, तो टैंक रेंज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर एक बहुत शोर जरा है, तो टैंक रेंज की जो एंजाइटी है उसको ओवरकम करने के लिए हरि जी ने यहाँ पे एक जेरी कैन कैसे अरेंज की है, 5 लीटर की है वो, बट समझ नहीं आ रहा उसे माउंट कहाँ करे, क्योंकि अगर 2 जेरी कैन होती तब तो जो वेट है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, बट अभी एक साइड की है, अगर एक साइड से माउंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो अभी वो नहीं कर रहे। तो मैंने सजेस्ट ये किया कि सीट पे और यहाँ पर आप लगेज रखोगे उसके पास ही जेरिकेन को रख लेना, ताकि ज़्यादा जो है ना जर्किंग वगैरह भी नहीं होगी और ज़्यादा झटके भी नहीं लगेंगे वहाँ पर, वो सेफ भी रहेगी, डिग्गी में रखने से अच्छा है। तो अभी एक दो काम और कर रहे हैं, एक मोबाइल होल्डर सर को लगाना है और जेरिकेन का जुगाड़ हम नहीं कर रहे, वो हम मैनुअली कर लेंगे, और अभी हेलमेट लेना है बस, बाकी एक दो कुछ और काम होगा वो हम मैं आपको बता दूंगा। तो अब यार घर की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि हरि जी का जो स्कूटी में काम होना था वो तो यार वहाँ पे नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा सा बजट का मामला फंस रहा था, क्योंकि जो एक मोबाइल चार्जर था सिंपल ये वाला विदाउट चार्जिंग वाला वो शायद 850 रुपये का बता रहे थे, बट उन्होंने उनका कोई करोल बाग में एक नोवन बनता है, तो उन्होंने बताया कि विद चार्जिंग आपको एक माउंटिंग अरेंजमेंट भी एरोक्स के लिए अलग से आता है,
तो कुल मिलाकर उनका लगभग 750 रुपये का माउंटिंग अरेंजमेंट लग जाएगा रोड लग के बीच में वहाँ पर। इन फ्यूचर वो क्या है, कभी ऑक्सलाइट लगानी भी होगी तो ऑक्सलाइट भी वो लगा लेंगे, तो वहाँ पर कुल मिलाकर उन्हें काफ़ी सस्ता पड़ेगा वो जुगाड़। तो वो अभी जाएंगे 2-3 दिन में टाइम निकाल के करोल बाग, तो वो जुगाड़ वहाँ से करवा लेंगे अपना क्या कहते हैं चार्जिंग वाला। बाकी अभी हमने एक बोल्ट बनी का एक हेलमेट लिया है क्योंकि वो जो उनके पास जो हेलमेट था वो यार ऐसे था लोकल सा, लास्ट टाइम तो पहन के चले गए थे जैसे तैसे, लेकिन इस बार मैंने काफ़ी फोर्स किया कि नहीं यार हेलमेट आपको अच्छा लेके जाना पड़ेगा। तो काफ़ी देखा बजट में तो बोल्ट बनी एक जो मेरे पास है वही एक हेलमेट पसंद आया जो उनकी स्कूटी से भी मैच करता है ब्लैक एंड ग्रे, तो वही वाला हेलमेट हमने लिया है। बाकी जब राइड पे चलेंगे तो दिखाऊंगा आपका कौन सा कलर स्कीम वाला हेलमेट हमने लिया है। और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, मैं इस वीडियो एक्चुअली क्या है कि मैं सोच रहा था इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँ पर नहीं, क्योंकि अब जो काम होगा जल्दी से तो मैं भी इसी वीडियो में इस पॉइंट को कंसिडर करने वाला हूँ। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है जो मैंने अभी अपने दोनों फ्रंट और रियर दोनों टायर चेंज कराए थे उनके रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप हाइनेस ओनर हो और टायर चेंज करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा रुक जाओ, इस वीडियो को देख लो, तभी आप सोचना कि मुझे टायर चेंज कराने नहीं कराने। अभी मैं आगे रुकता हूँ कहीं और दिखाता हूँ कि टायर के मुझे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, और मैंने जो 2-4 लोगों से बात करी है रिगार्डिंग दिस कि उसको सुनने के बाद आप टायर चेंज कराओ या नहीं कराओ, वो भी मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा। तो थोड़ा मैं कहीं जगह देखता हूँ और वहाँ पर आपको तसल्ली से रोक के बाइक को तसल्ली से बताता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, अब बात करता हूँ, एक अच्छी जगह मिल गई है, अब बात करता हूँ टायर के बारे में। देखो, अगर आप हाइनेस CB350 के अगर आप टायर अपग्रेड करना चाह रहे हो, जो स्टॉक टायर आता है कंपनी से, उसमें आप किसी अदर ब्रांड में जाना चाह रहे हो, अदर ब्रांड से मेरा मतलब है जैसे कि इस टाइप के टायर में आप जाना चाह रहे हो, जैसे कि डुअल पर्पज़ टायर बोलते हैं, जिसमें कि 80% जो एक टायर है वो आपके ऑन रोड काम करते हैं और 20% है ऑफ रोड काम करते हैं। अगर आप इन टायर के लिए जा रहे हो अपग्रेड करने के, थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना, नहीं तो आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, हो सकता है। अब मैं बताता हूँ क्यों। अब जब से मैंने परसों टायर चेंज कराए थे तो तब से मुझे दिक्कत क्या हो रही है, इनके साथ एक दिक्कत है, अगर फ्रंट में ये टायर डलवाते हो तो टायर चेंज कराने के बाद फ्रंट में मुझे क्या हो रहा है, तो स्टेयरिंग थोड़े हार्ड फील हो रहा है। मतलब पहले इतना लाइट था जो स्टॉक टायर था, वो रोड बायस टायर था, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, सच प्रॉब्लम नहीं था, बट इनके साथ मुझे थोड़ा सा ये लगा लो कि 10-15% अब क्या है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ रहा है थोड़ा बाइक को स्टीयर करने, बाइक को मोड़ने में या फिर मनूवर करने में, आप बोल सकते हो सही से बताऊँ तो। अब उसका रीज़न ये है, जो स्ट्रोक टायर था उसका प्रोफाइल बिल्कुल रोड को रोड बाइस टायर था, उसमें जो इतना फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता था, उसके जो टायर ट्रेड पैटर्न थे वो रोड को सपोर्ट करते थे बहुत अच्छे से, जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हो या फिर आप बाइक को मनूवर कर रहे हो वहाँ पर। लेकिन इन टायर के साथ ऐसा सीन नहीं है, मैं सही बताऊँ तो यहाँ पर आपको इन टायर के साथ, मैं स्पेशली फ्रंट की बात करूँगा, पीछे तो कोई भी टायर डालो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, पर मेन है आपका, क्योंकि आपको हैंडल या स्टेयरिंग बाइक को स्टेयर जो फ्रंट से ही करना पड़ता है, तो यहाँ पर ये टायर थोड़ा इशू कर रहा है बाइक को थोड़ा स्टेयर करने में। अब मैंने जहाँ से टायर फिट कराया, मैंने उससे बात करी, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो अब आप रोड बायस टायर से अगर आप ओवर रोड टायर पर जाओगे तो ये प्रॉब्लम आपको फेस तो मतलब थोड़ा अजीब लगेगा शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आपके बिहेवियर है नहीं मैं कह सकते हो यूज़ टू हो जाओगे इसके। अब ठीक बात है, उसकी भी बात ठीक है कि ये यूज़ टू हो जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर आप मुझे 2-3 दिन से जब से मैंने टायर डलवाया तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार कहीं ना कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने टायर चेंज करा के। अब मैंने उसे दोबारा मेरा मन बन गया था कि यार नहीं, मैं टायरों को निकाल के दोबारा स्टॉक टायर डलवाऊंगा। अब मैंने बात करी उससे आज कि यार मुझे टायर ही चेंज कराने हैं, अभी तो बिल्कुल न्यू कंडीशन में, कुछ ज़्यादा के चले ही नहीं है, तो मैंने कहा यार आप इन्हें वापस ले लो और जो कंपनी के टायर है वो इसमें इंस्टॉल कर दो, जो भी खर्चा बनेगा 500-1000 रुपये का जो लॉस होगा वो मैं देख लूँगा। उन्होंने कहा यार नहीं, देखो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इन्हें वापस दोगे मुझे और अपने कंपनी के स्टॉक टायर डलोगे तो वहाँ पर आपको लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मैंने पूछा कितना लॉस हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि लगभग मान के चलो 3,500-4,000 रुपये आपको लॉस में जाना पड़ेगा। अब यार ये तो 50% से भी ज़्यादा का लॉस हो गया, क्योंकि 6,000 तो फिटिंग मुझे टायर ही पड़े थे,
तो अब यार मुझे कोई अकलबंदी नहीं लगी इन टायर को दोबारा से निकलवा के स्टॉक टायर के साथ जाने में, क्योंकि वहाँ पर मुझे लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो अब आप ये पॉइंट कंसिडर कर लेना, हालांकि टायर ठीक है, ऐसी बात नहीं, यूज टू हो जाएंगे वो, पर एक बात सही है उसकी कि कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद इन टायर के साथ आप जो यूज टू हो जाओगे, बट इनका टायर का फ़ायदा जो है वो आपको आगे देखने को मिलेगा, जब आप जैसे कहीं आप ऑफ रोड जा रहे हो, जब आप यूज टू हो जाओ इन टायर के, तो वहाँ पर आपको इन टायर का काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब दूसरा, मैंने मैकेनिक से भी बात कर दी, जो कि जो होंडा के इस बाइक के जो सर्विसिंग वगैरह करते हैं उनसे बात करी थी। इन टायर के साथ में होगा क्या वो मैं बता रहा हूँ आपको, इन टायर के केस में होगा ये ज़्यादा पोर्शन जो है ना सब वो बहुत जल्दी फ्लैट हो जाएगा, यानी मुझे लगता है ये जल्दी वियर आउट हो जाएगा जो स्ट्रोक टायर है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये बोलो तो जो इसके ट्रेड पैटर्न है काफ़ी मोटे है, मोटी गिट्टी मैं बताऊँ ये वाली जो पोर्शन है वो बहुत जल्दी वियर आउट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैकेनिक ने भी ये बताया था। बाकी आगे आने वाला टाइम बताएगा कि टायर कैसा, कितने जल्दी वियर आउट होते हैं, कितने जल्दी नहीं। तो मेरा कंसर्न यही था आप लोगों को बताने का, अगर टायर अपग्रेड कर रहे हो ना तो बहुत सोच समझ के करना, अगर आप कुछ इस तरह के टायर डलवा रहे तो मेंटली प्रिपेयर हो जाना कि यार ये इन टायर के साथ ना आपको मनोवरिंग में थोड़ी शुरू के कुछ किलोमीटर में आपको दिक्कत आने वाली है, तो वो आप देख लेना। बाकी हाँ, यूज टू होने के बाद ये टायर आपके काफ़ी काम आने वाले, जैसे कि आप ऑफ रोड जाओगे कहीं या फिर टूरिंग कर रहे हो उस टाइम पे ये टायर आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाला, ये तो नो डाउट, ये बात तो है। तो यार बस मैं इस वीडियो में इतना ही कवर करना चाहता था कि अगर आप टायर चेंज करा रहे हो तो इस बात का कंसिडर कर लेना कि ये सिर्फ हाइनेस CB50 के केस में है, RS और होंडा CB350 का मुझे नहीं पता क्या टायर प्रोफाइल है क्या नहीं है, मैंने सिर्फ हाइनेस 350 के बारे में बात करी है पर्टिकुलरली। तो आप देख रहे हैं कि आपको टायर चेंज कराना है या नहीं, बाकी मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर है कि आप अगर आप टायर चेंज करा भी रहे हो तो गो विद द स्टॉक टायर जो कंपनी लगा के देते उन्हीं टायर के साथ जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो आई होप यार वीडियो आपको पसंद आ गया, जितना इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो अगर आप थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब से ज़रूर कर देना, और मिलता हूँ जल्दी ही किसी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय सियाराम।